नमस्कार, मैं हूं मंटोर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल का खास कार्यक्रम अपराध। देश की राजधानी दिल्ली से इन दिनों अपराध के चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके से आया है, जहां चार युवकों ने एक शख्स की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि मरने वाला शख्स राहगीरों से मदद मांगता रहा, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए आगे तक नहीं आया। आइए जानते हैं क्या है हत्याकांड का ये पूरा मामला। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में जिस शख्स की हत्या हुई है, उसका नाम नजीर बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ये घटना रविवार की है, जहां चार युवकों ने 35 वर्षीय नजीर पर करीब 50 बार चाकू से वार किया। बता दें कि नजीर अपने स्कूटर से कहीं जा रहा था, तभी आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक चार नाबालिग नजीर पर लगातार चाकुओं से वार करते रहे और वह राहगीरों से मदद की गुहार लगाता रहा। वहीं पुलिस ने कहा है कि हमले को देखने वाले स्थानीय लोग बाद में घटनास्थल पर इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नजीर को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP जॉय टीकरी ने जानकारी दी है कि इस हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां आरोपियों का कहना है कि उन्होंने नजीर की हत्या सिर्फ इसलिए की क्योंकि कुछ दिन पहले नजीर ने उनमें से एक को धमकी दी थी, जिसके चलते आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। क्राइम जगत से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।